अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अल स्पोर्ट्स। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मजीद मैच होगा या नहीं होगा, यानी डे फोर का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मजीद मैच होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने बजे होगा। वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको मुकम्मल अपडेट मिल जाएगी। हमारे चैनल अली स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और कमेंट में बताना है कि मेरी अपडेट आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों वसीम अकरम ने स्काई स्पोर्ट्स पर लाइव आकर बताया है कि मजीद मैच का होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे तक तो मैच नहीं हो सकता, 7 बजे से पहले बिल्कुल मैच नहीं हो सकता, मजीद टाइम भी बढ़ सकता है कि मैच ना हो, यानी 7 बजे 7:30 तक मैच का होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बारिश दोबारा तेज़ शुरू हो चुकी है। पहले लंच ब्रेक कराई गई थी, लंच ब्रेक के बाद दोबारा बारिश तो उस वक्त तो रुक गई थी, लेकिन दोबारा फिर बारिश तेज़ हो चुकी है। और फिर सबसे बड़ा मसला है बैड लाइट्स और बारिश के तेज़ होने की वजह से मजीद मैच का होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आगे कोई भी बॉल नहीं हो पाएगी, लेकिन जो कन्फर्म खबर है ये है कि 7 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे तक 7:30 तक मैच का होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और हो सकता है कि आज का दिन मजीद मैच ना हो पाए। ये है अब तक की कंफर्म खबर। अल्लाह हाफिज़।